हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर योर सेल्फ। मैं हूं महबूब आलम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ब्लॉगर के अकाउंट को अपने गूगल में कैसे रैंक करा सकते हैं, यानी कि कैसे शो करवा सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं, जो ये वाला मेरा ब्लॉगर का अकाउंट है, मीन्स ये वाला जो मेरा वेबसाइट है ब्लॉगर के बना हुआ, ये अभी गूगल पे अवेलेबल नहीं है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर गूगल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर का यूआरएल डाल देता हूँ, बेस्ट फॉर योर सेल्फ 1.blogspot.in। ठीक है, इसको मैं अब सर्च करता हूँ। तो ये देखिए, इस नाम पर कोई भी ब्लॉगर का वेबसाइट गूगल पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप ब्लॉगर के अकाउंट को गूगल में कैसे रैंक करवा सकते हैं, कैसे शो करवा सकते हैं गूगल के सर्च इंजन पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपना पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और अपने ब्राउज़र में टाइप कीजिए गूगल कॉन्सोल और सर्च कीजिए। गूगल कॉन्सोल सर्च करने के बाद आपको जाना है पहले वाले लिंक पे, गूगल सर्च कॉन्सोल। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए, गूगल सर्च कॉन्सोल का वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पर पहले से ही मेरा गूगल कॉन्सोल पे दो वेबसाइट ऐड है, यानी कि गूगल में सर्च इंजन में लाने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब तीसरा ब्लॉगर के अकाउंट को भी गूगल में लाना चाहता हूँ। और फिर मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर गूगल के सर्च कॉन्सोल पे अगर पहली बार आएंगे तो आपको अपना जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर जीमेल का आईडी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को क्लिक करके सीख सकते हो कि जीमेल का आईडी कैसे बनाते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास जीमेल का आईडी होगा। आप जीमेल का आईडी से इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद से आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद से आपको जाना है ऐड अ प्रॉपर्टी पे। ऐड अ प्रॉपर्टी को क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आया है। यहाँ पर आपको वो वेबसाइट का यूआरएल डालना है जो आप गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करवाने वाले हो या शो करवाने वाले हो। तो मैं ब्लॉगर के अकाउंट को रैंक करवाने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर अकाउंट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक है, और ऐड, फिर उसके बाद से देखिए आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। फिर उसके बाद से आपको जाना है अल्टरनेट मेथड पे। फिर उसके बाद से जाना है आपको HTML टैग पे। फिर उसके बाद से आपको ये वाला जो कोड है उसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी, मैंने इसे कॉपी कर लिया है। अब आपको जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। फिर उसके बाद से आपको जाना है थीम पे। फिर उसके बाद से एडिट HTML पे। फिर उसके बाद से आपको जो वो वाला कोड वहाँ से आप कॉपी किए थे, आपको हेड टैग के अंदर यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा। तो ये देखिए, हेड टैग यहाँ पर है। ठीक है, आपको हेड टैग के नीचे थोड़ा स्पेस लेता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से दिखे। आप भी कुछ इस तरह से हेड टैग के नीचे थोड़ा स्पेस ले लीजिएगा और यहाँ पर मैं उस कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप भी ध्यान रखिएगा, हेड टैग के यहाँ पर आपको आकर के थोड़ा सा स्पेस लेना है इंटरफेस करके। उसके बाद से आपको वो वाला कोड जो आप वहाँ से कॉपी किए थे आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेव थीम पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं फिर से लौटता हूँ गूगल सर्च कॉन्सोल पे और यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ओनरशिप ये वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ।
बस आपको इतना ही करना था, अब आपका ब्लॉगर का अकाउंट गूगल के सर्च इंजन में 48 आवर्स के अंदर शो करने लगेगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, जब मेरा ब्लॉगर का अकाउंट गूगल में शो होने लगेगा तब मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा ब्लॉगर का अकाउंट गूगल पे शो हो रहा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर पॉज कर लेता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मेरा जो ब्लॉगर का अकाउंट था वो गूगल के सर्च इंजन पे शो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ जो मैंने ब्लॉगर पे बनाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सर्च किया बेस्ट फॉर योर सेल्फ 11.blogspot.in यानी कि मेरा वेबसाइट का URL, तो यहाँ पर मेरा वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे शो होने लगा। तो इसी तरह आप भी अपने ब्लॉगर के अकाउंट को गूगल के सर्च इंजन पे शो करवा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसे करने के लिए मुझे 48 आवर्स से भी ज़्यादा लगे हैं। तो अगर आप एक बार अगर अपने वेबसाइट को गूगल कंसोल में अगर सबमिट कर दोगे तो फिर उसके बाद से आप निश्चिंत रहिए, आपका वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे शो होने लगेगा 48 आवर्स के अंदर। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ब्लॉगर के अकाउंट को गूगल के सर्च इंजन पे कैसे शो करवाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पर किसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ जैसे कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं, यूट्यूब चैनल के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता रहता हूँ और भी बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियो बना के देता रहूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।